हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और ये है आज हम करेंगे मैथ की एक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले नंबर स्मॉल, फिर बिग, उससे बिग, फिर उससे बिग। हाँ, पहले हम इस एक्टिविटी को इस टेडी बियर से करेंगे। ये सारे टेडी बियर्स हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। चलो कम ऑन, पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग टेडी बियर, और फिर सबसे बिग। देखो, पहले सबसे स्मॉल टेडी बियर, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग, फिर उससे भी बिग वाला टेडी बियर, और फिर लास्ट में सबसे बिग। इसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अब हम मेथड में समझ आ गया। अब हम पहले वन डिजिट के साथ करेंगे। नंबर्स को करो रोलिंग ऑर्डर में, कुछ भी ऑर्डर में कर दो। अब नंबर्स में हमारे जो सबसे पहले नंबर आता है उसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने कुछ डिजिट्स लिए हैं फ्लैश कार्ड, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएगी विरोनिका। लगाओ फर्स्ट से, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? टू। नेक्स्ट नंबर कौन? सिक्स। ऐसे लगाओ, ऐसे। नेक्स्ट नंबर सेवन, यहां पे। हाँ, नेक्स्ट नंबर नाइन। और अब हम करेंगे टू डिजिट्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे कि टू डिजिट्स नंबर हम सिखाते कैसे बच्चों को। मैं आपको मेथड बताती हूँ और फिर ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। सिंपली पहले नंबर्स इन वन डिजिट्स में तो है कि पहले फर्स्ट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे बिग, फिर उससे बिग। ऐसे ही ये वाला ऑर्डर, फोर, फाइव एंड सिक्स। अब टू डिजिट्स में हम क्या करते हैं कि बच्चे को पहले समझाते हैं। इसमें हम तो दो मेथड से बच्चों को समझा सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज, दो भी जो भी वैल्यू है ऊपर वंस और टेंस की वैल्यू लिख लीजिए, और फिर बच्चे को समझाइए कि जो टेंथ की वैल्यू है हमने वो पहले देखनी है। आप देखियो, यहां भी वन है, यहां भी टू है, यहां फोर है और वन है। पहले टेंथ की वैल्यू को अंडरलाइन कर लिया, अब यहां भी वन है और यहां भी वन है। लेकिन अब हमने, अगर वन की टेंथ की वैल्यू सेम है तो हमने वंस की वैल्यू देखनी, और यहां पे क्या आ गया? पहले टू, ट्वेल्व, और फिर थ्री वाली वैल्यू बढ़ी है, फिर थ्री आ गया, और फिर टू वाली वैल्यू है तो ट्वेंटी थ्री आ गया, और फिर फोर है तो फोर वाली वैल्यू आ गई। ये मेथड मैंने दोनों इम्प्लीमेंट करके देखे हैं। व्यांकर इस, विरोनिका ने इस मेथड से सीखा, लावनी ने इस मेथड से सीखा। दैट इज अप टू यू कि कैसे मेथड से आपका बच्चा सीखता है। सेकंड मेथड, आप बच्चे को वन टू ऊपर लिख दीजिए और फिर उसको वंस और टेंस की वैल्यू लिखने के लिए बोलिए। अब देखो, उसको बोलो कि उस लाइन फॉर टेंस की वैल्यू को अंडरलाइन कर ले, और अब देखे कि कौन सा नंबर पहले आएगा। ये फोर है, ये थ्री है, ये टू है, वन है। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? वन, तो हम वन वाला नंबर लिखेंगे। अब आपने देखना है कि ये दोनों है, ये भी वन है, ये भी वन है, और जब दोनों नंबर सेम हो जाए टेंस की वैल्यू के तो हमने वंस की वैल्यू के देखने हैं। अब यहाँ पे वन है और यहाँ पे सेवन है, तो पहला क्या आएगा? वन, फिर सेवनटीन, और फिर अब उसके बाद क्या है? थ्री और फोर। इन नंबर्स में से पहले कौन सा नंबर आता है? थ्री के फोर, थ्री, तो फिर थर्टी टू एंड फोर्टी टू। अब ये मेथड इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे ये दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल विरोनू, विरोनू करेगी। ये हमारे टू डिजिट्स के नंबर हैं 23, 43, 74, 54 एंड 11। फर्स्ट डाउन विरोनू, टेंस की वैल्यू को अंडरलाइन करो। हाँ, इसमें भी करो, इस नंबर में भी, इस नंबर में भी, इस नंबर में भी, इस नंबर में भी। अब देखो कि कौन सा नंबर छोटा है? वन, फाइव, सेवन, फोर और टू। कौन? वन, तो हम पहले क्या लिखेंगे? इलेवन। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आता है? टू। हाँ, टू वाली वैल्यू क्या है? ट्वेंटी थ्री। राइट डाउन ट्वेंटी थ्री, थोड़ा ऊपर करो हेड डाउन। हाँ, फिर आगे फोर है, फाइव है और सेवन है। कौन सा रह गया? फोर। फोर, हाँ, राइट डाउन फोर्टी थ्री।
और नेक्स्ट वैल्यू, और फाइव और फोर रह गया और सेवन और फोर. अब फाइव छोटा है कि सेवन? हाँ फाइव, 54. और फिर लास्ट में 74. हाँ लिखो 70, कॉमा लिखो नीचे 74. अब नेक्स्ट वाला सम करेगी लावनी. अब ये हमारे पास वैल्यूज हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लावू, पहले टेंस की वैल्यू को अंडरलाइन करो. अब देखो कम से कम सबसे कौन सा छोटा नंबर है? वन. तो वन वाली वैल्यू लिखो, वन वन. अब इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, ये हमारा नंबर हो गया. अब इनमें से देखने हमने 21, हाँ 2, 21, 31, 42 और 31, क्या था? 21. अब लिखो 21, वेरी गुड. अब इस नंबर को कट कर दो. अब हमारा कौन सा रह गया? 31, 42 एंड 35. अब यहाँ पे देखना है हमने, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम किसकी वैल्यू देखेंगे? ओ की वैल्यू, वंस की वैल्यू. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगा पहले? 3 1. हाँ 31, फिर उसके बाद 35. हाँ लास्ट में हमारे पास क्या बचा? हाँ 41, हाँ 42, 35 लिखो. और लास्ट में क्या बचा? 4 2. हाँ 4 2 42. पहले आप बच्चे को अंडरस्टैंड करवाइए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है. टेडी बियर या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके बाद वन डिजिट्स पे आइए, फिर टू डिजिट्स पे. अब ये फ्लैश कार्ड्स के करके दिखाएंगे. ये फ्लैश कार्ड्स हैं, और ये फ्लैश कार्ड्स पे पहले पहले देखो कौन सा नंबर आएगा लावो. हाँ ये कौन सा नंबर, क्या नंबर है ये? 2 3 2 3 23. हाँ पुट इट इन द बेड एंड टेक नेक्स्ट कार्ड. नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 3 5 35. हाँ रखो इसको ऑर्डर में. उसके बाद 47 की 74. हाँ 4 7. नेक्स्ट 74. हाँ होपफुली ये आपको एक्टिविटी पसंद आई होगी. एक्टिविटी पसंद आई तो शेयर विद योर फ्रेंड. बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. शेयर विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय.